नवंबर 2019, रॉ चीफ समंद गोयल आधी रात को हाथ में कॉन्फिडेंशियल लिखी हुई फाइल लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास बड़ी हफरा तफरी में पहुंचते हैं। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद समंद गोयल पीएम मोदी से मिल पाते हैं और समंद गोयल को देखते ही पीएम मोदी कहते हैं, गोयल साहब, ऐसा क्या काम पड़ा जो आपको इतनी रात को आना पड़ा? समंद गोयल, सर हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। दोस्तों, हाफिज सईद वही इंसान है जिसने 26/11 अटैक को प्लान किया था और इस अटैक ने हमारे बेकसूर 160 भारतीयों की जान ली थी। यहां तक कि हाफिज सईद भारत के दुश्मन लश्कर ए तायबा ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडर है। इसलिए सईद के मिलने की खबर को पीएम मोदी बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग आधी रात को ही बुला लेते हैं। मीटिंग शुरू होते ही समंद गोयल हाफिज सईद की फोटोज और वॉइस सैंपल सबके सामने रखते हैं और समझना शुरू करते हैं कि अब यूएन में गुहार लगाने या फिर अमेरिका से पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने का समय जा चुका है। अब हमें ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन शब्द सुन पीएम मोदी पूछते हैं, गोयल साहब, आपका ऑपरेशन से क्या मतलब है? समंद गोयल जवाब देते हैं, हम हाफिज सईद को पाकिस्तान में इसके ISI अकाउंट के सामने मौत के घाट उतारेंगे। ये सुन मीटिंग में बैठे अजीत डोवल कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, मुझे लगता है सईद को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और ऐसा क्या, वो पीएम मोदी की तरफ देख हाँ में सिर हिलाते हैं। एस्पियोनेज की दुनिया के वजीर कहे जाने वाले अजीत डोवल का कॉन्फिडेंस देख पीएम मोदी भी इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दिखा देते हैं। मीटिंग खत्म होते ही बेकसूर भारतवासियों के परिवार उजाड़ने वाले आतंकवादी हाफिज सईद को भारत का नाम सुनके भी डर लगने लगे। ऐसे ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है और इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन अलविदा। अभी तक रॉ को हाफिज सईद की सिर्फ लोकेशन कंफर्म हुई है जो हाथी की पूंछ को पकड़ने जैसा है, क्योंकि लोकेशन मिलने के बाद सईद को मारना बिल्कुल नरक में घुसकर शैतान को मारने जितना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सईद लाहौर के सबसे पॉश जोहर टाउन में अपनी ही अलग दुनिया बसा के रहता है। जिस एरिया में सईद रहता है उसमें घुसने का सिर्फ एक रास्ता है और वहाँ पाकिस्तान पुलिस दिन रात पहरा देती है, इसलिए सईद के घर के पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तक कि सईद जब घर से निकलता है तो एक मंत्री की तरह पूरे कॉन्वॉय के साथ चलता है। आखिर ISI का सबसे खास आदमी जो है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रॉ को सबसे पहले सईद के घर के पास एक बेस चाहिए और रॉ की ये खोज दुबई जाके रुकती है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी आदमी पिछले 6 महीने से दुबई की जेल में एक छोटी सी चोरी के कारण बंद पड़ा है, लेकिन बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ चुके नावेद की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक दिन अचानक नावेद की कोई वासे नाम का आदमी बेल करवा देता है। जेल से बाहर निकल नावेद इस आदमी से मिलता है और मिलते ही नावेद का पहला सवाल होता है, आप कौन हो और मेरी मदद क्यों की? वासे जवाब देता है, मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने आपको बाहर निकलवाया ताकि आप मेरी एक मदद कर सकें। पाकिस्तान और दुबई में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन ये सब अकेले संभालने में मुझे बड़ी समस्या आती है, इसलिए मुझे आप जैसे ईमानदार पार्टनर की जरूरत है। दुबई में नावेद वैसे भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया था और पाकिस्तान में अपने परिवार के पास रहकर पैसे कमाने का ये ऑफर नावेद को सोचने पर मजबूर कर देता है। नावेद के मन में बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन सभी को दबाते हुए नावेद खड़ा होता है और अपने नए दोस्त वासे भाई से हाथ मिला लेता है। कुछ महीनों बाद नावेद वासे के दिए हुए पूरे 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों के साथ पाकिस्तान लौट जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के एक हफ्ते बाद नावेद को वासे का फोन आता है और वासे कहता है, नावेद भाईजान, उम्मीद है सब खैरियत होगा, बिजनेस काफी मंदा हो रखा है, आप एक काम कीजिए, सेंट्रल लाहौर में बढ़िया सा घर किराए पर लीजिए और काम को संभालना शुरू कीजिए। कुछ दिन ढूंढने के बाद नावेद लाहौर के जौहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराए पर ले लेता है
और जैसे ही नवेद ये हाउस किराए पर लेता है, रॉ और हाफिज सईद के बीच की दूरी अब केवल 100 कदम की रह जाती है। दरअसल वासे और कोई नहीं बल्कि हमारी रॉ का एक अंडरकवर एजेंट था, और हाफिज सईद को मारने के लिए रॉ को जो बेस चाहिए था वो आज नावेद के किराए के घर के रूप में मिल गया था। अब वासे का कारोबार संभालने के बहाने से रॉ के एसेट्स लगातार नावेद के घर रुकने आने लगे। नावेद जो वासे के कारण जेल से निकल अब एक अमीरों वाली जिंदगी जी रहा है, उसे अपने घर आ रहे इन मेहमानों से कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो वासे के एम्प्लॉय बन के जो रह रहे हैं। दोस्तों करीब 6 महीने के अंदर रॉ के एसेट्स ने सईद की हर छोटी जानकारी पता लगा ली। इन्हें पता है सईद के घर दूध देने कौन आता है, लाइट खराब होती है तो इलेक्ट्रीशियन कौन है, अखबार कौन फेंकता है। साफ शब्दों में कहें तो सईद की पूरी जिंदगी इन्होंने अपने कागजों में कैद कर ली है। ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स तक भी पहुंच जाती है, और भारत के सबसे बड़े दुश्मन की पूरी जन्म कुंडली देख सुमन गोयल भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते हैं। यहाँ रॉ अब सईद को मारने के बहुत करीब पहुंचती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच रॉ की आंख के सामने कुछ ऐसा घटता है जिसे वो नोटिस नहीं कर पाते हैं, और ये चीज कैसे आगे चलकर इस पूरे ऑपरेशन के गले की हड्डी बनेगा शायद ही रॉ ने ऐसा सोचा होगा। दोस्तों नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जरूर जाता है, और इसमें कुछ गलत ना देखते हुए रॉ एजेंट्स भी इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर सही समझते हैं। अब सर्विलियंस पूरी हो चुकी है, अब है एक्शन टाइम। इसलिए एक दिन अचानक नावेद को वासे का फोन आता है, और वासे कहता है, नावेद तुम्हें अगले हफ्ते दुबई आना होगा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एक हफ्ते बाद जब नावेद और वासे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो वहाँ बातों बातों में वासे कहता है, नावेद तुम्हें नहीं लगता पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद जवाब देता है, भाईजान हमें क्या, वो तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं, हमें थोड़ी। ऐसा कह नावेद हंसने लगता है, लेकिन तभी वासे कहता है, नावेद मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ, और इस यहूदी ने 26/11 अटैक में अपने पूरे परिवार को खो दिया था, इसलिए वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। अपने वासे भाई को एक यहूदी के लिए काम करते सुन नावेद के मुँह का निवाला वहीं का वहीं अटक जाता है, और वो कुछ भी कहता उससे पहले वासे फिर एक बार बोलता है, वजह तुम खुद ढूंढो, लेकिन सईद को मारने में तुम मेरी मदद करोगे। अपने वासे भाईजान से ये सुन नावेद का हलक सूखने लगता है, और वो पानी की एक घूंट भर कहता है, वासे भाई आप ये सब क्या बोल रहे हो, ये मजाक बंद कीजिए। नावेद आगे कुछ और बोलता कि वासे उसे काटते हुए कहता है, नावेद मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सिर्फ हमारी मदद करनी है, और इसके बदले में तुम्हें करोड़ों रुपए और पूरे परिवार के साथ अमेरिका में सेटल करवा दिया जाएगा। नावेद अब बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे ये ऑफर अपने हाथ से भी नहीं जाने देना चाहता था। कई देर सोचने के बाद वासे के एहसानों और इस डील में मिलने वाले पैसों की तरफ देखते हुए नावेद हाँ ही कर देता है। नावेद के हाँ करते ही रॉ अब सईद को मारने के लिए शतरंज में शह और मात से सिर्फ 1 कदम की दूरी पे है। अगले दिन नावेद के पाकिस्तान पहुंचने से पहले उसके खाते में पूरे 15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और अब समय था ऑपरेशन अलविदा के अंतिम चरण का, कहें तो 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नरक जाने का। हाफिज सईद को मारने के लिए रॉ हेडक्वार्टर्स में एक लंबी मीटिंग चलती है जिसमें लगभग हर सीनियर ऑफिसर अपनी अपनी राय रखता है। करीब 6 घंटे हर तरह के ओपिनियन की बारीकियां समझने के बाद रॉ ने फैसला लिया कि हाफिज सईद को कार बॉम्ब की मदद से मारा जाएगा। इसी कारण इधर पाकिस्तान में नावेद के घर रह रहे रॉ के ये एसेट्स एक ब्लैक कोरोला गाड़ी खरीदते हैं, और नावेद को बिना कानों कान खबर लगे इस सईद के घर से कुछ दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 300 किलो RDX के साथ पार्क कर देते हैं। अब रॉ को तलाश है तो बस एक ऐसे इंसान की जो चंद पैसे के बदले अपनी जान दांव पे लगा के ये गाड़ी सईद के घर में दे मारे। ऐसा इंसान ढूंढने में रॉ को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स अफगानिस्तान में आलू प्याज के भाव में मिल जाते हैं। रॉ एजेंट्स अब ऐसे ही एक सुसाइड बॉम्बर्स का इंतजाम कर उसे पाकिस्तान ले आते हैं, और अब नावेद के घर 3 नहीं बल्कि 4 मेहमान रुके हुए हैं। नावेद जिसका मुंह पैसों से बंद कर रखा है वो चाहकर भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आखिर ये रॉ के टुकड़ों पे जो पल रहा है।
ऑपरेशन अभी तक अपनी फुल स्पीड से चल रहा है, लेकिन कुदरत को शायद ये हजम नहीं हुआ और अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसके कारण रॉ का ऑपरेशन भी लगभग फेल हो सकता है और सारे एसेट्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। 13 मई 2021, आज वासे नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया है और ऑपरेशन अपनी आखिरी चरण में है, इसलिए वो अगले ही दिन दुबई जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं कि अचानक वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। जल्दबाजी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि ये कई दिनों से बुखार के चंगुल में फंसे हुए हैं। कुछ और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें दरअसल कोरोना हो रखा है। हमारे भारत का ये वीर सपूत देश सेवा में इस कदर समर्पित था कि इसने अपने बुखार को साधारण समझकर नजरअंदाज किया, जबकि वो कोरोना का बुखार था। करीब 2 दिन आईसीयू में एडमिट रहने के बाद रॉ का ये दिलदार एजेंट इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। ये खबर सुन रॉ हेडक्वार्टर्स में मानो भूचाल आ जाता है। एक तरफ रॉ को अपने इतने काबिल अफसर को खोने का गम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ ऐसा घटता है जो रॉ के इस पूरे ऑपरेशन पे सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। दरअसल नवेद, जो हफ्तों में एक बार अपने परिवार से मिलने जाया करता था, वो आज फिर अपने परिवार से मिलने के लिए लाहौर से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी उसके परिवार के घर नहीं बल्कि एक हाई रैंकिंग आईएसआई ऑफिसर के घर पे रुकती है। असलियत में नावेद कभी ईमानदार था ही नहीं, वो शुरू से ही वासे पर शक करता था और उसका शक उस दिन यकीन में बदल गया जब वासे ने उसे हाफिज सईद को मारने वाली बात कही। नावेद ने उसी दिन ठान लिया था कि पैसे लूंगा और आईएसआई को सब बता के और पाकिस्तान में आईएसआई की प्रोटेक्शन में रहूंगा। और जब उसको काफी दिनों से वासे का फोन नहीं आया, उसको ये सबसे बढ़िया मौका लगा और उसने आईएसआई के सामने सब कुछ बक दिया। अब ये खबर लीक होते ही आईएसआई अपने पूरे तामझाम के साथ नावेद के घर पे रेड मारती है और आईएसआई को उम्मीद थी कि वो नावेद के घर में रह रहे रॉ के एसेट्स को रंगे हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन रॉ भी इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है। रॉ के एसेट्स भी नावेद के कई दिनों से घर न आने को भांप जाते हैं और तुरंत आईएसआई के आने से पहले उस अफगानी लड़के को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर आईएसआई को तो रॉ चकमा दे देती है, लेकिन अब सवाल ये है कि ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए या नहीं, क्योंकि इस समय तक आईएसआई ने हाफिज सईद को भी रॉ का ये प्लान बता दिया था और उसके घर की सिक्योरिटी भी डबल कर दी गई है। जहां पहले सिर्फ सईद के मेन गेट पे पुलिस पहरा देती थी, अब उन्होंने एक बैरिगेड सईद के घर से 10 मीटर दूरी पे लगा दिया है। ऑपरेशन अलविदा के लगभग फेल होने से समंत गोयल आज एक बार फिर पीएम मोदी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले चुका है। कुछ देर सोचने के बाद पीएम मोदी आज फिर कहते हैं, गोयल साहब, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं खुद नहीं चाहता कि हाफिज सईद भारत को इतना दर्द देने के बाद भी चैन की नींद सो पाए। आप ऑपरेशन को हर हालत में पूरा कीजिए। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी पीएम मोदी का ये दबंग रूप देखकर समंत गोयल में भी जोश भर जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि हमला अभी भी किया जाएगा। वैसे भी वो गाड़ी आज भी उसी बिल्डिंग में खड़ी है, क्योंकि वासे ने नावेद को कभी ये नहीं बताया था कि आखिर सईद को मारा कैसे जाएगा। जून 2021, लाहौर, सुबह 11 बजे। रॉ एसेट्स की मदद से उस अफगानी युवक को आईएसआई की नजर से बचा के उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहां बॉम्ब वाली गाड़ी खड़ी है। इस युवक को एक बार फिर सारा प्लान ब्रीफ किया जाता है और कुछ ही देर बाद एक काले रंग की 300 किलो RDX से भरी कोरोला गाड़ी जोहर टाउन की इन सड़कों पे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती दिखाई देती है। करीब 500 मीटर चलने के बाद गाड़ी के सामने उसका लक्ष्य दिखाई देने लगता है, जो और कुछ नहीं भारत को खून के आंसू रुलाने वाले हाफिज सईद का घर है। सईद के घर से पहले चेक पोस्ट पे खड़े पुलिस वाले अपनी तरफ तेजी से आती इस गाड़ी को देख रहे हैं और इसे रुकने के इशारे करने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही ये गाड़ी इस बैरिगेड से टकरा जाती है और एक जोर से धमाका होता है जिससे सईद के घर की एंट्रेंस के चीथड़े उड़ जाते हैं। भारत में आए दिन मासूमों की जान लेने वाले इस आतंकवादी के घर आज जब धमाका होता है तो मानो इसकी रूह कांप जाती है और जिहाद के नाम पे लोगों की जान लेने वाला हाफिज सईद एक चूहे की तरह अपने सोफे के नीचे छुप जाता है। दोस्तों, भले ही सईद बच गया
और ऑपरेशन अलविदा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन सईद को समझ आ गया कि रॉ से अब वो नहीं बच सकता है और उसके जहन्नुम जाने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए अटैक होने के बाद से लेकर आज तक सईद अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। साथ ही आज जब रॉ ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी के घर पे दस्तक दी, तो पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े आतंकवादी सबको ये संदेश मिल गया कि ये नया भारत है जो घर में भी घुसता है और आतंकवादी को चुन चुन के मौत के घाट उतारने का भी काम रखता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार रॉ हाफिज सईद को जहन्नुम पहुंचाने से जरा सी चूक जाती है। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट्स में बताओ कि सईद कितने दिन रॉ से छिप पाएगा। अगर आपको वो ऑपरेशन देखना है जो रॉ ने इंग्लैंड में छुपे बैठे आईएसआई के सबसे लाडले गुर्गे को इंग्लैंड से बाहर निकालकर पाकिस्तान में मौत के घाट उतारा था, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।